Hello friends, welcome back to the class. In our last lecture, we have discussed about the organs of immune system. ठीक है, lymphoid organs के बारे में हमने discuss किया था, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. ठीक है, then we have discussed about the bone marrow. ठीक है, दोनों के examples पहले हमने देखे थे. Primary lymphoid organs में कौन कौन से आते हैं, bone marrow and thymus. ठीक है, और उन्हें central lymphoid organs भी कहा जाता है. ओके, देन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को कहा क्या कहा जाता है, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स. ठीक है, सो ये दोनों के बारे में हमने पढ़ा था, और सेकेंड
रखेगा हमें, ठीक है। इसमें जो ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं, ये सब जो है वो लोब्यूल्स है, ओके। ये लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर है और उसके आसपास जो है वो कैप्सूल प्रेजेंट होगी, ठीक है। इतना हमने अभी तक डिस्कस किया, लोब्यूल्स एंड कैप्सूल, अंडरस्टूड। नाउ ईच लोब्यूल इज डिवाइडेड इनटू द टू कंपार्टमेंट्स, कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है। अभी जो इंडिविजुअल लोब्यूल्स है वो भी दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है, ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। अभी हम ये एक लोब्यूल को ले लेते हैं, तो उसमें क्या है, जो ये बीच का पोर्शन है उसे क्या कहते हैं, मेड्यूला, और जो सराउंडिंग पोर्शन है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ऐसे डॉट डॉट वाला बनाया है वो सब कॉर्टेक्स है, और ये जो बीच का खाली स्पेस है ये सब मेड्यूला है, ठीक है। सो लोब के अंदर लोब्यूल्स होती है, लोब्यूल्स को सेपरेट करता है उसे ट्रेबिक्यूल कहते हैं, और लोब्यूल्स भी दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ओके। नाउ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आर दी आउटर लेयर, ठीक है। जो हमारी लोब्यूल है उसका आउटर लेयर है उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, एंड दे आर डेंसली पैक्ड विद थाइमोसाइट्स। पहले थाइमोसाइट्स क्या है, ठीक है, हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स है वो कहां पर डेवलप होते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो में से वो इमैच्योर स्टेट में ट्रैवल करके थाइमस में आते हैं, ठीक है। अभी जो थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है उसे थाइमोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। थाइमस में जो इमैच्योर स्टेट में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है उसे थाइमोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे थाइमस में फिर उसका मैच्योरेशन होगा, और जब वो मैच्योर स्टेट में आ जाएगा तो वो थाइमस को छोड़ के ब्लड में एंटर कर जाएगा, ओके। सो कॉर्टेक्स इज डेंसली पैक्ड विद थाइमोसाइट्स, कॉर्टेक्स का जो पोर्शन है वहां पर बहुत अमाउंट में थाइमोसाइट्स प्रेजेंट है, ओके। ज्यादातर अमाउंट में थाइमोसाइट्स है वो कॉर्टेक्स के रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड द सेकंड इज द मेड्यूला, मेड्यूला क्या है, जो इनर लेयर है, इनर पोर्शन है लोब्यूल का उसे मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पोर्शन को मेड्यूला कहते हैं, इनर मोस्ट जो पोर्शन है उसे मेड्यूला कहते हैं। इट कंटेन्स दिस स्पार्सली पॉपुलेटेड थाइमोसाइट्स, ठीक है, उसमें थाइमोसाइट्स है वो कुछ कुछ अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं, एकदम कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो कॉर्टेक्स के सबसे ज्यादा थाइमोसाइट्स का सेल्स ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा, और इन मेड्यूला दे आर डिवाइडेड इन स्मॉल स्मॉल अमाउंट, ठीक है, वो बहुत कम अमाउंट में थाइमोसाइट्स प्रेजेंट होगा मेड्यूला में, ओके। नाउ ओके, और जब भी जो कॉर्टेक्स के सेल्स है, कॉर्टेक्स के थाइमोसाइट्स है, वो मूवमेंट उसकी चालू रहती है टू द मेड्यूला, ठीक है, कॉर्टेक्स की तरफ से मेड्यूला की तरफ थाइमोसाइट्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और जैसे ही वो मेड्यूला की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे वो मेच्योर स्टेट में आते जाते हैं, ठीक है, उनका मेच्योरेशन होता है, और मेड्यूला में जो प्रेजेंट होते हैं वो मेच्योर स्टेट में होते हैं, ठीक है, और वहां से वो थाइमस को लीव करके ब्लड में एंटर कर जाएंगे। Now, this is the structure of the thymus. ठीक है, अभी हमने यहाँ देखा मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, अभी इसका भी हम अगर एक साथ थोड़ा सा पोर्शन है उसको कट करके ले लेंगे और उसका जो ये वो इतना सेक्शन ले लेते हैं तो उस वो इस प्रकार का कुछ दिखता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाया है मैंने, देखो दो पोर्शन है कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है, ये आउटर पोर्शन है, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पोर्शन डॉट वाला मैंने दिखाया है वो ये कॉर्टेक्स है ऊपर का, ठीक है, एंड मेड्यूला है
schedule. ठीक है, सो दिस इज द वन ग्लोब्यूल, दिस इज द अनदर, इस बाजू एक ग्लोब्यूल है. ठीक है, इन सबको कौन सेपरेट करेगा? जेडिक्यूल. ओके, यहाँ तक हमने देखा, ये सब समझ में आ गया. ओके, अभी हम मेरे सेल्स बहुत सारे नाम जो कि है वो कौन से है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट थाइमोसाइट्स. थाइमोसाइट्स के बारे में हमने क्या डिस्कस किया कि कोर्टेक्स में थाइमोसाइट्स का अमाउंट ज्यादा होता है, टाइटली पैक्ड रहते हैं और इन मेड्यूला दे आर स्पार्सली डिस्पर्स्ड. ठीक है, वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है. सो दिस ब्लैक बोन्स आर दी, ये जो ब्लैक राउंडेड है वो क्या है? थाइमोसाइट्स है. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कोर्टेक्स में बहुत सारे थाइमोसाइट्स प्रेजेंट है एंड मेड्यूला में कुछ कुछ ही सेपरेट सेपरेट हम देख सकते हैं. ठीक है, सो थाइमोसाइट्स आर प्रेजेंट इन हाई अमाउंट इन दी कोर्टेक्स एंड इन लो अमाउंट इन मेड्यूला. ओके ओके, बाकी के सेल क्या है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे. ओके, तो थाइमस में सबसे ज्यादा अमाउंट में थाइमोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, थाइमोसाइट्स के इसका मतलब थाइमोसाइट्स मीन टी लिम्फोसाइट. ठीक है, और उसके अलावा कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं थाइमस में? सो फर्स्ट एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, अदर सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द थाइमस उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एपिथेलियल सेल्स पहले. ओके, सो एपिथेलियल सेल्स भी थाइमस में तीन प्रकार के प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट नर्व सेल्स. नर्व सेल्स किसे कहते हैं? दे आर जो ये हमने इस प्रकार का बनाया है ये सब, ये नर्व सेल है. ठीक है, उनकी मेम्ब्रेन का एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन होता है. ठीक है, जो इस प्रकार का इसका मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन देखने को मिलता है और वो क्या करता है, बहुत सारे थाइमोसाइट्स को सराउंड कर लेता है. ठीक है, इसके अंदर देख सकते हैं आप बहुत सारे थाइमोसाइट्स इसके अंदर वो सराउंड कर लेता है. ठीक है, इसके अंदर ले लेता है. सो इट विल फॉर्म अ लार्ज मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एक बहुत बड़ा मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि उसका जो ये मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है वो बहुत सारे लिम्फोसाइट्स को कवर कर लेता है. ठीक है, यहाँ पर मैंने तीन से चार ही दिखाए थे पर वो 50 तक के लिम्फोसाइट्स को सराउंड कर सकता है. ठीक है, 50 लिम्फोसाइट्स को भी सराउंड कर सकता है. सो इट विल मेक अ लार्ज मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नर्व सेल. ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर नर्व सेल. वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स में. ठीक है, कॉर्टेक्स में सबसे आउटर साइड पर नर्व सेल्स प्रेजेंट है. देन कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स. ओके, द सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स. ओके, वो उसके भी मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं. देखिए ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इस प्रकार के एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, उसके जो ये मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है डेंड्राइटिक सेल की तरह ही होते हैं. ठीक है, तो ये एक्सटेंशन क्या करेंगे? थाइमोसाइट्स के मूवमेंट में हेल्प करेंगे. ठीक है, थाइमोसाइट्स कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ मूव करता है तो उसके मूवमेंट में
SN. Okay, clear. So, and this red ones are the red ones are in the trabeculae are the blood vessels. ठीक है, ये जो है वो ब्लड वेसल्स है, क्योंकि थाइमस में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होगी. ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं होगी तो टी लिम्फोसाइट्स मूवमेंट कैसे करेंगे? थाइमस में आने के लिए, थाइमस में से बाहर जाने के लिए उसे ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ेगी. ब्लड में से ही वो एंटर होगी और बाहर जाएंगे. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दी पेज स्ट्रक्चर ऑफ द थाइमस. ओके, हमने क्या क्या देखा? दो लोब होते हैं थाइमस में, देन उसके कंपार्टमेंट से उसे लोब्यूल्स कहते हैं.
Dizort syndrome. ठीक है, सो Dizort syndrome एंड इन माइस. माइस में भी ऐसी इफेक्ट हो सकती है कि बहुत से माइस में थाइमस प्रेजेंट ही नहीं है, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ दी पर्सन आर ऑल्सो स्टडी. ठीक है, जो ह्यूमन में बर्थ डिफेक्ट है और माइस जो ऐसे है जिसमें बर्थ डिफेक्ट में थाइमस का जनरेशन ही नहीं हुआ है, उसका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी की गई. ठीक है, ऐसे ह्यूमन और माइस की भी स्टडी की गई. और इन सब स्टडीज पर से क्या पता चलता है दैट जिसने भी न्यूरोनेटल थायमेक्टोमी की गई है जिस भी माउस में, उसमें क्या होगा, डिक्रीज इन दी सर्कुलेटिंग टी सेल्स. ठीक है, जो टी सेल्स पहले तो प्रेजेंट हो गए, जब थाइमस प्रेजेंट होगा तो टी सेल्स ब्लड में प्रेजेंट हो गए. ठीक है, जब भी थाइमस को रिमूव कर दिया गया उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज इन दी सर्कुलेटिंग टी सेल्स. ओके, और जिसमें बर्थ से ही डिफेक्ट है उसमें क्या होगा, टी सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होगा ब्लड में. ओके, सो एब्सेंस ऑफ दी सर्कुलेटिंग टी सेल. ठीक है, सो इन दोनों की स्टडी करके क्या पता चलता है कि इन दोनों में ही डिक्रीज और एब्सेंस ऑफ दी सर्कुलेटिंग टी सेल. ठीक है, टी सेल का अमाउंट कम देखने को मिला या फिर टी सेल्स प्रेजेंट ही नहीं थे ब्लड में. ठीक है, एंड दूसरा क्या देखने को मिला, एब्सेंस ऑफ दी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, जब टी सेल्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी नहीं होगी. ठीक है, सो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में की भी एब्सेंस देखने को मिली. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस देयर विल बी इंक्रीज द रिस्क ऑफ द इंफेक्शियस डिजीजेस. ठीक है, टी सेल्स प्रेजेंट नहीं है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिजीज होने का खतरा बढ़ जाएगा. ठीक है, सो इन सब टाइप के जो है ऑर्गेनिजम्स और दी ह्यूमन में और माइस में क्या देखने को मिला, टी सेल्स प्रेजेंट थे या फिर कम अमाउंट में प्रेजेंट थे. ठीक है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी एब्सेंट थी, उसकी वजह से उन सबको डिजीज का खतरा ज्यादा रहता था. सो इससे हम कह सकते हैं कि टी सेल्स आर टी सेल के मैच्योरेशन के लिए और उसके फंक्शन के लिए थाइमस रिक्वायर्ड है. ठीक है, थाइमस की प्रेजेंस होनी जरूरी है, थाइमस में ही टी सेल का मैच्योरेशन होता है, उसके बाद ही उसका फंक्शन शुरू होता है. ठीक है, अगर थाइमस ही नहीं होगा तो टी सेल्स भी नहीं होगे, टी सेल्स मैच्योर फॉर्म में नहीं होगा. बोन मैरो में टी सेल्स का सिंथेसिस होगा पर उसका मैच्योरेशन नहीं होगा. ठीक है, सो मैच्योरेशन नहीं होगा तो उसका फंक्शन जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में वो भी नहीं कर पाएंगे, इनमेच्योर सेल्स को फंक्शन नहीं कर पाते. ठीक है, सो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ द डिजीज. नाउ देयर वाज वन अनदर स्टडी डन ऑन द एजिंग. ठीक है, एजिंग की क्या इफेक्ट है थाइमस के ऊपर. ठीक है, सो विथ द एजिंग देयर विल बी डिक्लाइन इन द थाइमिक फंक्शन. ठीक है, जब 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 एज बढ़ती है तो क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और जो सीनियर सिटीजन है उसमें क्या होता है, थाइमस का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, विथ एजिंग द फंक्शन ऑफ द थाइमस विल बी डिक्रीज और उसकी वजह से उनका इम्यून फंक्शन भी डिक्रीज हुआ हुआ देखने को मिलता है. ओके, सो थाइमस जब जब एज बढ़ती है जैसे वैसे थाइमस का फंक्शन कम हो जाएगा और उसकी वजह से इम्यून फंक्शन भी कम हो जाएगा, इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी. ठीक है, नाउ सो थाइमस रीचेस इट्स मैक्सिमम साइज एट द प्यूबर्टी. ठीक है, जब भी बर्थ होता है उसके बाद प्यूबर्टी तक थाइमस की साइज इंक्रीज होती है. ओके, और उसकी जो मैक्सिमम साइज है वो क्या कब होती है, एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी. ठीक है, उसका मेन वेट है वो मैक्सिमम होगा प्यूबर्टी में. नाउ देन एट्रोफाइज, देन द साइज विल बी एट्रोफाइज. एट्रोफाइज का मीनिंग क्या है, जब भी हमारे बॉडी का कोई टिश्यू और ऑर्गन डीजनरेट होना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उसका डीजनरेशन होता है और उसका जो है वो वेट कम होते जाता है और उसका स्ट्रक्चर छोटा होते जाता है. ठीक है, इस प्रकार का जो कुछ भी प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, एट्रोफाइज. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन, स्लो डीजनरेशन, इट इज नोन एज द एट्रोफाइज. ओके, सो प्यूबर्टी तक थाइमस का साइज बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, उसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद प्यूबर्टी के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस का साइज है, उसका वेट
सिलेक्शन होगा और थाइमोसिनेटिक सेल्स का सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो दिस वाज